इस्लाम के खिलाफ कोई भी अगर खड़ा होता है, इस्लाम के खिलाफ खतरा नजर आता है, तो हमारी माएं और बहनें हमेशा हमारी ताकत बनी है। वो जो गुत्ता लिया है, एलएनटी वाला है, वाटर बोर्ड है, कमिश्नर है, 3 साल के अंदर आपके घर तक नल का पानी कैसा नहीं आता वो देख, तो मेरे को मौका दे। मोहतरमा गणेश फातिमा की कमजोर ख्यादत, और उसको जिताने वाले कौन? हम लोग। गलती किसकी है? ये हाथ, ये खूनी हाथ है, ये हाथ मुसलमानों को तबाह कर रहा है। हमारे को जब मदद की जरूरत है, ये हाथ हमारे को तमाशा देख रहा है। हम जब डूब रहे हैं, देखो हमारी कफन को जो है खांदे पे लेने के लिए भी काम नहीं आ रहा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आपके मसाइल क्या क्या है इसका इल्म मुझे है। गुलबर्गा शहर में पीने के पानी का मसला बहुत बड़ा है। हर मोहल्ले में, हर गली में ये पानी जो है घर तक आएगा 24/7 बोल के 10 साल से बोलते आ रहे हैं। आया क्या आपके घर का नल? पानी भरने की जिम्मेदारी किसकी? औरत की है ना, शोहर कौन भी भरता नहीं, बेटा भी भरता नहीं, सब लोग काम करने निकल जाते। वो 7 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में एक बार पानी आता, और वो भी बे टाइम छोड़ते हैं। वो बे टाइम पे नींद खराब करना, उठना, पानी भरना, वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको वायदा करता हूँ, 10 साल उनकी बातें सुने आप, मेरे को एक बार मौका दियो। आपका दर्द मेरे सीने में है। वो जो गुत्ता लिया है, एलएनटी वाला है, वाटर बोर्ड है, कमिश्नर है, वो 3 साल के अंदर आपके घर तक नल का पानी कैसा नहीं आता वो देख, तो मेरे को मौका दो। उनका कान पकड़ के उनको सीधा कर, सिर्फ तकरीर दे के जाने का नहीं। 40 साल से एक ही घर को मौका दिए, एक बार मेरे को दियो। आज आपके स्कीमा कितने लोना आपको मिले हैं इससे में? किसको तो दी क्या? खमर साहब रहे लोना आज मिलते थे, आप किसको मिले लोना? 1-5 लोग अतराफ बैठे हुए, पूरे के पूरे लोना उन्होंने खा रहे हैं, वो 5 लोग खा रहे हैं। आपको 1 रुपए का किसी को फायदा हुआ? पूरे पैसे वो 4 लोग उनके अतराफ बैठने वाले लोग पैसे खा रहे हैं, गुत्तेदारी भी उन्होंने कर रहे हैं। एक एक आदमी जो है 50-50 करोड़ की गुत्ता कर रहा है, समझ में आ रहा है? आज ये 4 लोगों को पैसे कमाने के लिए आपको जिताना है। मैडम को वोट डाले तो किसको वोट डाल रहे हैं आप? वो 4 लोगों को पैसे कमाने के लिए। आज हमारे सामने हालात क्या है, हमारी बच्चियों के हिजाब का आया मामला, सुने नहीं? हिजाब का मामला रहा कर्नाटका में, सबसे पहले मैं बात करें, हम हिंदुस्तानी हैं क्या नहीं बोल के साबित करने के लिए CAA NRC का मामला आया। सबसे पहले गुलबर्गा में मीटिंग किया, गुलबर्गा में तारीख एहतजाज 144 लगा, सेक्शन 144 बोलते 4 लोग नहीं फिरना। मैं जाके कमिश्नर ऑफिस पे बैठ के धरना कराया, उसके बाद में गुलबर्गा बंद कराया। पीर बंगाले ग्राउंड में एहतजाज हुआ, थे आप आए थे, याद है ना? वो सारे प्रोग्राम हम करे आगे बढ़कर। ये सारे मामले, इन मामलों में अब हिजाब का मामला तो औरत का है ना, एक लफ्ज भी असेंबली में उन्होंने बात नहीं करे। तकरीर कहाँ करते हैं बोले तो? DC ऑफिस में जाके एक आदमी लिख के देता है, ये बोलो अम्मा बोलते, ये बोलती हूँ ना, वो भी बड़ी मुश्किल से। आप देखो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का निकाल दिए, सरकारी नौकरी है कि किसके तो बच्चे की? 4% में अब किसकी भी नौकरी नहीं है। वो 4% भी उनको पेट को दर्द हुआ, BJP वालों को निकाल दिए। हम बड़े बड़े TV चैनल में बहस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मैडम जो है 4-5 दिन हुआ लिख के देख के पढ़ने भी नहीं आ रहा। ऐसे हालात में हमारी मस्जिदों तक पहुंच गए लोग अजान के मामले में। महबस मस्जिद पे आके कौन की हनुमान चालीसा पढ़ा तू बोल रहा है? वहाँ जाके सुबह में फजर में जाके ठहरे हम मौलाना, हम सब साथी देखेंगे किसकी माँ जनी जो हमारी मस्जिदों तक आता। वो आज हालात ऐसे मुसलमानों के सामने इतने नाजुक हालात हैं, बहुत नाजुक हालात हैं। आज हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारी शरीयत के खिलाफ मुसलसिल तौर पर आवाज़ें उठ रहे हैं, उंगली उठ रहे हैं। हमको इन तमाम मसले के लेकर BJP के सामने लड़ना है कि खामोश बैठना है? क्या करना? मैं खामोश बैठना? लड़ने वाले होना ना? तुम्हारे हिजाब के लिए कोई अगर बात करे तो उसके खिलाफ पूछ और जवाब देने वाला होना ना? मस्जिदों के खिलाफ बात करे तो बात करने वाला होना ना? हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अब आनंद का मामला हुआ, आनंद के अंदर हजरत लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, 700 साल पुरानी दरगाह है। वहाँ पे आके पूजा करे, पूजा करने की परमिशन दिए उन्होंने। वहाँ पर
थोड़ा सा पुलिस की गाड़ी को ये फतराव करने के बाद 165 लोगों को जेल को डाले। कितने? 10 औरतों को पुलिस स्टेशन ले जाने जेल को भेजा। कितने? 10 औरतें। कौन है जिम्मेदार उसके? मोहतरमा कनीज़ फातिमा की कमजोर ख्यादत। और उसको जिताने वाले कौन? हम लोग। गलती किसकी है? आप एक गलती करते आई जान दे उन्हें पापा बिचारी खमर साहब की बीवी है करते वो है खमर साहब थे। अब उनके उनको कुछ होने वाला नहीं। ये हाथ ये खूनी हाथ है। ये हाथ मुसलमानों को तबाह कर रहा है। क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। ये हाथ जो है मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमारे को जब मदद की जरूरत है ये हाथ हमारे को तमाशा देख रहा है। हम जब डूब रहे हैं देखो हमारी कफन को जो है खांदे पे लेने के लिए भी काम नहीं आ रहा है। तो ये सब समझना है। हमारी इज्जत मुसलमानों की इज्जत तमाम इज्जत आपके हाथ में है। आप लोगों को हिफाजत करना है। देखो हमारी मेरी ताकत क्या है? वो बोल रहा हूँ मैं। देखो रमजान के महीने में जंगे बदर भी मालूम है। जरूरत पड़ने पर जंगे अहद सुने। जंगे अहद में मुसलमानों की शिकस्त हुई। एक गलती करे मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पहाड़ के ऊपर से नहीं उतरना। तीरंदाजों को ठहराए थे। आलिम साहब बोलते हैं उस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दांत टूट गए। उनके ऊपर हमला करे जानलेवा हमला करने के लिए आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जहाँ पर भी मैं देखता तो हमारी उम्मत के खातून उम्मे अमारा एक औरत थी साहबी उनका नाम क्या था वो आप तलवार लेकर उनके ऊपर जिस्म पे पूरे वार हुए। जहाँ पर भी पलट देखते तो काफिरों के सामने सबसे मजबूती से कौन थी? हमारे मुसलमान की औरत खड़ी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। ये आपकी पहचान है। ये आपकी तारीख है। इस्लाम के खिलाफ कोई भी अगर खड़ा होता है इस्लाम के खिलाफ खतरा नजर आता है तो हमारी माएँ और बहनें हमेशा हमारी ताकत बनी है। आज वही मामला है। आज इस इलेक्शन के अंदर आपको इसके इलेक्शन की अहमियत को समझना है। समझेंगे आप लोग और मजबूती के साथ। ये जो 500 दे रहे हैं 200 दे रहे हैं क्या काम आता माँ? तुम्हारे 500 रुपये में तुम्हारी बेटी का हिजाब निकालते तुम? तुम्हारे को 10,000 रुपये देते बोले तुम्हारे मस्जिदों में जो है हनुमान चालीसा लगने देते आप? साल में 5 सिलेंडर आपको फ्री दिए जाएंगे। कितने? 5 सिलेंडर फ्री होता आधा हल्का होता है। बहुत मदद होती है आपको। और उसके बाद में जितने भी सिलेंडर लेंगे वो 50% डिस्काउंट में देंगे। 50% रेट में ये आपको वायदा है। आपके जितने संगा हैं संघ के अंदर आपको पूरों को 1-1 लाख रुपए जो है फिर लोन दिया जाएगा और पुराने जो कर्जे हैं गवर्नमेंट के वो कर्जे भी माफ किए जाएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद का वायदा है। मैं आपको वायदा करता हूँ हमारी माँ और बहनें घर में बैठे हुए रहते हैं। घर में बैठ के ही आपको कारोबार होना। घर में बैठे आपको काम ऐसा मिलना कि आपको महीना 8-10 हज़ार रुपये अगर महीना काम मिला तो कितनी ताकत होती है आपको? कितने आपको होना नहीं होना? मैं आपको वायदा करता हूँ 5,000 औरतों को जो है मैं रोजगार आपके घर तक पहुँचाने का काम आपका ये भाई आपका ये बेटा नासिर उस्ताद करता। मेरा साथ दीजिए।